with safety of children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। नमस्कार, मैं हूं तुषाली, आप देख रहे हैं आईडी सिटी न्यूज नेटवर्क। शेखपुरा जिला बिहार राज्य किसान सभा के फैसले के आलोक में किसान महापंचायत जिला के चिवान में किसान नेता लड्डू यादव पहलवान की अध्यक्षता में हुआ संपन्न, जबकि महापंचायत के संचालन सीपीआई जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे ने किया। गौरतलब ये है कि महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के केंद्र के मौजूदा सरकार किसानों के विरुद्ध में तीन काले कानून बिना सदन में बहस नहीं किया गया है और एवं लागू करने के लिए जिद बना रखी है। ये कानून न सिर्फ किसानों के हित का है बल्कि बड़े पूंजीपतियों के लिए लाभकारी साबित होगा। ये सरकार किसानों के हित नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित पहुंचाने के लिए ला रही है। दिल्ली के बॉर्डर पे कई महीनों से कड़ाके की ठंड से काफी गर्मी तक किसान आंदोलन लगातार युद्ध स्तर पे चल रहा है, लेकिन जिसके समर्थन में देश भर के किसानों के लिए तरह से संघर्ष आंदोलन चल रखी है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी कानून वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि आंदोलन के दरमियान करीब 300 किसानों का निधन हुआ है, जिसमें से शहादत का दर्जा मिला है। उसके प्रति तनिक भी संवेदना प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई है। इससे साबित होता है कि ये सरकार किसान मजदूरों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का है। बिहार राज्य किसान सभा किसानों के आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेते हुए 24 मार्च को विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया है। हम आप तमाम किसानों और मजदूरों से अपील करते हैं कि शेखपुरा से भी बड़ी संख्या में जुट के चले और विधानसभा 24 मार्च को सफल बनाव किसान महापंचायत के सर्व सम्मान फैसला लिया गया है कि विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए शेखपुरा से 23 मार्च को हावड़ा गया एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में किसान और मजदूर एक साथ जीत का झंडा और बैनर के साथ चलेंगे। विधानसभा घेराव की तैयारी के लिए जिले भर में पंचायत और गांव में किसान पंचायत लगाने का भी फैसला लिया गया है। महापंचायत में किसान नेता राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, शेखपुरा जिला किसान सभा संयोजक रामशंकर सिंह, अधिवक्ता कांग्रेस किसान नेता रामकृष्ण सिंह किसान, श्री बरहमदेव यादव, शिव बाला सिंह, केदार राम, धर्मराज कुमार, गुलेश्वर यादव, चंद्रभूषण प्रसाद, तनिक सिंह, ललित शर्मा, बच्चू प्रसाद सिंह, मालती देवी, सुविधा देवी, साबू देवी, नूनूलाल यादव, धनंजय पांडे, प्रवीण कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। छठे दशक में पहली पंचवर्षीय योजना बनती है 1951 से 56 का इस देश में पहली योजना बनी पंचवर्षीय योजना, और फिर उसके तहत बजट बनता।